हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनीश शर्मा आज फिर आपके लिए टैली टिप्स एंड ट्रिक्स में हम लेके आए हैं डाटा सिंक। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनका रिक्वायरमेंट रहती है कि उनको बेसिकली टैली जो है मल्टी लोकेशन पे यूज करना है। मल्टी लोकेशन से मीन्स हो गया कि एक मेरी ब्रांच रुड़की में है और दूसरी ब्रांच मेरी बॉम्बे में है या दिल्ली में है, एनीवेयर कहीं पे भी होती है, या रुड़की में भी मेरी दो अलग अलग लोकेशन पे ब्रांच है और मैं चाहता हूँ कि मेरा दोनों जगह का डेटा आपस में सिंक होता रहे और सेम डेटा दोनों जगह दिखाता रहे। क्योंकि मैंने अकाउंटेंट एक जगह बैठाया हुआ है, वो मेरा जीएसटी रिटर्न वगैरह फाइल करता है, और दूसरी जगह जो है मेरा सिर्फ सेल्स और परचेज मेंटेन होता है। तो उस कंडीशन के लिए आज हम आपको ये लेके चलते हैं कि हम कैसे उस चीज़ को मेंटेन करेंगे। तो इसमें कुछ आपको ध्यान रखनी है कुछ चीज़ें। इसमें सबसे पहले तो जरूरी है कि आपके पास दो टैली के लाइसेंस होने चाहिए जो एक्टिव होने चाहिए विद टीएसएस, मींस टैली सॉफ्टवेयर सर्विस उनकी एक्टिव होनी चाहिए, एक्सपायरी ना हो। टैली सॉफ्टवेयर सर्विस आपको पता चल सकती है, टैली में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे हेल्प में, अपनी टैली में आप देख सकते हैं। अगर आप अबाउट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखाएगा कि यह आपकी टीएसएस की एक्सपायरी कब हो रही है। ओके, तो वो आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका दोनों साइड पे एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। मिनिमम सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है इंटरनेट, अगर आप चला रहे हैं आज की डेट में और विंडोज 10 मेंटेन कर रहे हैं, तो 4 GB रैम मिनिमम चाहिए ही चाहिए आपको। उससे नीचे अगर रहेगी तो इंटरनेट की स्पीड भी सही नहीं मिल पाएगी आपको और आपका काम भी उतना अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। तो इसके बाद एक कंपनी हमें जो बनानी है वो आपको तैयार करनी है और दूसरी जगह कंपनी ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगी। कैसे होगी वो हम आपको दिखाते हैं। इसमें आपके पास 3 मोड होते हैं। पहला ऑनलाइन, जिसमें सेम टाइम पे आपको दोनों साइट पे यूजर अवेलेबल होने चाहिए आपके और वो आपस में डेटा सिंक करें, तो पहला ऑप्शन होता है। दूसरा आईपी बेस्ड होता है, ये भी इसमें आपको स्टेटिक्स आईपी लेना पड़ता है, लेकिन आप ये ना लें क्योंकि हमारी टैली ऑलरेडी आपको सर्वर देती है और आप उस सर्वर के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसको आप स्टेटिक्स आईपी अगर अलग से परचेज करना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, अदरवाइज ये ऑनलाइन वाला मेथड ही है सेम, बस इसमें आपके पास स्टेटिक्स आईपी होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन ऑन डिमांड होता है। ऑन डिमांड का फीचर्स ये होता है कि मेरे यूजर ने सिंक किया डेटा और वो टैली के सर्वर पे स्टोर हो गया, उसके बाद जब तक मेरा दूसरा यूजर उस डेटा को सिंक नहीं करेगा तो वो उसके पास नहीं आएगा, और जिस वक्त भी वो उसको सिंक करेंगे तो उनको उस वक्त अवेलेबल हो जाएगा। तो ये हमारा ऑन डिमांड होता है, पर हम प्रेफर करते हैं कि आप ऑनलाइन को ज़्यादा प्रेफर करें। उसकी वजह यह है कि सेम टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि मेरा कोई वाउचर डिलीट तो नहीं हुआ या कोई वाउचर्स में कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम टैली में चलते हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया था, जैसे ये मेरी कंपनी है। ओके, तो इसको मैं खोलता हूँ। इसमें मेरी कुछ सेल्स के वाउचर है, डे बुक चेक करता हूँ अपनी, ये मेरा कितने वाउचर्स हैं सब दिखाएगा यहाँ पर। ये वाउचर्स हैं, टोटल वाउचर्स आपने चेक करने हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाके आप स्टेटिक्स में जाके भी अपने वाउचर्स चेक कर सकते हैं, कितने वाउचर्स कैंसिल्स हैं, कितने आपके डले हुए हैं। ओके, तो ये सब वाउचर्स आपके दिखाएगा, कितने ग्रुप्स हैं, कितने लेजर्स हैं, तो ये सब कुछ दिखाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे ये मेरी टैली चल रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा इंटरनेट कनेक्शन है। ओके, अब हम अपना इस पर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको कहाँ जाना है, एक्सचेंज में जाना है और एक्सचेंज में डाटा सिंक को यस करना है। इसमें आपको बोथ करना है। ओके, और यस एंड अप्लाई चेंजेस। नाउ टैली विल स्टार्ट अगेन। तो यहाँ पे मैं अपनी कंपनी में आ गया हूँ फिर से। कंप्यूटर्स, इसका पासवर्ड डाल दिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास क्लाइंट रोल एक्टिवेट हो गया है। ओके, और यहाँ से आप डाटा सिंक करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्लाइंट रोल में। यहाँ हम क्लाइंट रोल क्रिएट करेंगे, रोल नेम क्लाइंट
ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ओके, रूल टाइप ट्रांजेक्शन, ओके एंड ऑनलाइन। यहां हमें सर्वर की अकाउंट आईडी यूज करनी है, जो मेरा दूसरा सिस्टम है या मेरा क्लाइंट सिस्टम है, या उसको सर्वर सिस्टम मान लेते हैं, यानी कि वो जो दूसरी लोकेशन पे सिस्टम है उसकी अकाउंट आईडी यूज करनी है। अकाउंट आईडी और एडमिन आईडी में थोड़ा सा फर्क होता है, वो भी हम आपको अभी क्लियर करेंगे। अब मैं अपने जो मेरा दूसरी लोकेशन पे सिस्टम है उस सिस्टम को एनीडेस्क पे ले लेता हूँ फिलहाल। तो मैं यहाँ पे इस सिस्टम को कनेक्ट करता हूँ। तो ये हमारा सिस्टम मिल गया है ना, और यहाँ इस सिस्टम पे आपको टैली मिल गई है, ओके। तो अभी मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम हेल्प में जाएंगे और यहाँ पे अबाउट में जाके चेक करेंगे कि हमारी अकाउंट आईडी क्या है, ओके। तो यहाँ पे जो ये आपको मिलती है ये एडमिनिस्ट्रेटर आईडी होती है, ओके। और अकाउंट आईडी कहाँ पर होती है उसके लिए हमें यहाँ पे देखना होता है, सेटिंग में जाकर लाइसेंस, मैनेज लाइसेंस, और यहाँ पे ये मेरी अकाउंट आईडी होती है। तो आप पहले अपनी अकाउंट आईडी चेक करें कि मेरी अकाउंट आईडी क्या है, क्योंकि कई बार ये अकाउंट आईडी और एडमिनिस्ट्रेटर आईडी सेम भी हो सकती है और कई बार ये अलग अलग भी हो सकती है, ओके। और सबसे बेसिक जो चीज है वो मैं बताना भूल गया, दोनों जगह सेम वर्जन होना चाहिए लाइसेंस का, ये भी एक चीज है, तो वो हम अभी आगे करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे अकाउंट आईडी यूज करते हैं, ओके। कंपनी नेम ऑन सर्वर, यानी कि आप एक साथ कई सारी कंपनी मेंटेन कर सकते हैं टैली में, आपको बताइए। तो हम कौन से वाली कंपनी को सिंक करेंगे वो भी जरूरी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक कंपनी बनाएंगे फिलहाल, क्रिएट कंपनी। उसमें हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, कुछ नहीं डालेंगे, इसको कर देंगे बॉम्बे, ओके। यहाँ पे आप यूनिक कंप्यूटर ऐसी डाल सकते हैं, अगर आप यहाँ से भी बिल वगैरह देना चाहते हैं या रिटर्न भरना चाहते हैं, अदरवाइज आप अलग नाम भी रख सकते हैं उसका, अगर सिर्फ आप अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे मैंने आपको बताया ही था, हमेशा याद रखिए यूजर एक्सेस कंट्रोल हमेशा यस, तो यस करेंगे। और यहाँ पे भी हम सेम यूजर नेम पासवर्ड यूज कर लेते हैं, अलग अलग चाहे तो अलग अलग भी ले सकते हैं, ओके। ये हमारी कंपनी बन गई है, इसके अंदर लेकिन हमने कुछ भी नहीं एंटर किया, ओके। ये अभी मैं जीएसटी वगैरह कुछ भी इसके अंदर मेंटेन नहीं करूंगा, ओके। ये बिल्कुल ब्लैंक कंपनी है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स स्टेटिक्स में हम जाके देखेंगे, इसके अंदर कोई वाउचर एंटर नहीं। तो वहां पे हमसे क्या डिटेल मांगी गई, हमसे डिटेल मांगी गई कि आप कंपनी नेम ऑन सर्वर। तो कंपनी का नेम क्या है सर्वर पे, कंपनी का नेम ये, ओके। हमेशा याद रखिए मेलिंग नेम नहीं यूज करना है, जिस नाम से आपने कंपनी बनाई हुई है वो आपने यूज करना है। तो मैं यहाँ पे बॉम्बे डाल दूंगा, ओके। यहाँ मैंने इसको बोथ कर दिया, मुझे वाउचर भेजने भी हैं और लेने भी हैं, ओके। क्या ऑप्शन होते हैं इन्हें आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन चाहिए, रिसीविंग में क्या चाहिए, इनके बारे में जो डिटेल्ड वीडियो है वो हमने अलग बनाई हुई है, तो वो भी उसका लिंक मैं इसमें वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। तो बाकी मैं यहाँ पे अभी कंट्रोल ए करता हूँ और यस कर देता हूँ। दूसरा रूल हमें क्या बनाना है, ट्रांजेक्शन का रूल नेम लाइन ट्रांजेक्शन, ओके। लाइन ट्रांजेक्शन हम बना चुके हैं, हमें मास्टर बनाना है, लाइन मास्टर, ओके। यहाँ हम मास्टर सेलेक्ट करेंगे, ये भी हम ऑनलाइन करेंगे। यहाँ हमें पता है हमारी अकाउंट आईडी क्या है, जो हमारी पहले थी वही अकाउंट आईडी है, new@gmail.com,
कंपनी नेम ऑफ सर्वर ये भी हमें पता है। इसमें हमें क्या करना है, जाहिर सी बात है कि मेरा ये क्लाइंट सिस्टम है और मैं सारे काम यही करूंगा, अकाउंटेंट के पास मेरा इंफॉर्मेशन जाएगा क्योंकि मास्टर्स मुझे बनाने हैं, तो मैं इसमें सेंड डेटा को यस करूंगा। ओके, और यहाँ पर अल्टर मास्टर जाने चाहिए, यस जानी चाहिए, करेंसी का कोई मतलब नहीं है, ओके कर देंगे। ओके, तो अब हमारे पास ये आप देख सकते हैं रूल्स रेडी हो गए हैं। ओके, मास्टर्स रूल भी और ट्रांजेक्शन रूल। अब हम इन्हें सिंक करेंगे, कैसे सिंक करेंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ से सिंक कर देंगे। ओके, अब हम अपने क्लाइंट वाली सर्वर वाली कंपनी बोल सकते हैं, इस पे जाएंगे और यहाँ पे डेटा सिंक्रोनाइज करेंगे, इसको भी हम बोथ करेंगे और कंट्रोल ए करेंगे। ओके, यस, एक्टिव, यस। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, इसको हम यस करना भूल गए। ओके, आपको मैंने चेक कराया, हमारी कंपनी करेक्ट सही हो रही है, हमारी कंपनी की अकाउंट आईडी बिल्कुल सही है, हमारी कंपनी का नेम बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद भी एरर आ रही है। तो आप ये देखिए कि आपके दोनों जगह सेम वर्जन भी होने चाहिए, तो इसमें हम जाएंगे यहाँ पे चेक करेंगे, तो हमारे पास ये जो वर्जन चल रहा है 2.01 चल रहा है। ठीक है, ऐसे हम जो क्लाइंट सिस्टम है या सर्वर सिस्टम, कुछ भी आप कह सकते हैं, दूसरी लोकेशन पे बेसिकली सिस्टम है वो, तो उसका वर्जन चेक करेंगे, तो शायद ये इशू भी हो सकता है, इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, तो जैसे आपको दिखा रहा है यहाँ पे 1.1.3 दिखा रहा है, और मेरे पास जो दूसरी साइट पे सिस्टम है वहाँ पर आपको ये 2.0.1 दिखा रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि जो अपग्रेडेबल वर्जन अवेलेबल है इस टैली को भी उसी में लेके चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हेल्प में जाएंगे और यहाँ अपग्रेड में जाएंगे। अब अपग्रेड में आप देख रहे हैं कि वहाँ पर तो 2.0.1 है, लेकिन यहाँ पे जो अवेलेबल है 2.1 है, तो इस चीज़ से भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप 2.1 में चले गए हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर भी आपका अपडेट नहीं होगा, तो एक बार वर्जन चेक कीजिए, सेम वर्जन रखना है आपको दोनों जगह। तो इसको हम देखते हैं, तो F12 करते हैं और यहाँ पे यस करके सेम वर्जन देखते हैं, तो सेम वर्जन कौन सा है, यहाँ पे मेरे पास 4 अपडेट ऑलरेडी अवेलेबल है और ये वर्जन मुझे लग रहा है यही वर्जन मेरा वहाँ पर चल रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी। तो यहाँ पे मैं, हाँ, 2.0.1 है, तो इसको 2.0.1 क्लिक कर देता हूँ और अपडेट पे क्लिक करता हूँ एक बार और यस करता हूँ। ओके, यस करता हूँ। ओके, इसे यस करेंगे। बहुत इजी है, इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसको वीडियो को 2 या 3 बार देखे, बहुत इजीली आप अपने स्टेप फॉलो करके अपना मल्टी लोकेशन टैली को जो है सिंक कर सकते हैं और अच्छे से यूज कर सकते हैं। आपकी कितनी भी ब्रांचेस हों, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ब्रांच पे यूज होगा, आपकी 3 ब्रांच हैं, 4 ब्रांच हैं, सब जगह ऐसे ही मेंटेन करना है आपने। ओके, तो अब एक बार हम फिर से देख लेते हैं, एक्सचेंज में गए, यहाँ पे पहले कंपनी कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, और इसको अब ऑनलाइन एक्सेस चेक करते हैं कि हमारा ऑनलाइन एक्सेस अवेलेबल है या नहीं। ओके, कंपनी लोडिंग, ऑनलाइन, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये सेम टाइम पे दोनों जगह सिंक होना चाहिए, तो इसको हम मास्टर रूल को पहले सिंक कर रहे हैं। ओके, ये देखिए, ये आपका सिंक स्टार्ट हो गया। इसके बाद आपने ट्रांजेक्शन को ऐसे ही सिंक करना है, तो ये आपका ट्रांजेक्शन सिंक हो जाएगा। ओके, ये दिखाएगा आपको कि ये डेटा सिंक हो रहा है ना। और यहाँ पे अब हम जाएंगे दूसरी लोकेशन पे और यहाँ चेक करेंगे, तो ये देखिए, ये सर्वर रूल एक्टिव आ गया। ओके, तो मैंने सिर्फ इसको क्या करना है, एक्टिवेट करना है। ओके, ये कह रहा है कौन सा रूल एक्टिवेट करना, पहले ट्रांजेक्शन रूल को एक्टिवेट कर दिया। ओके, तो मैंने ये बता दिया कि भाई यहाँ डीएक्टिवेट हो जाए, अगर वहां से दिक्कत आए तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे सिर्फ इसको यस करिए। इसके बाद मुझे मास्टर रूल एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट,
तो ये मेरे दोनों रूल्स एक्टिवेट हुए। अब मुझे क्या करना है, जो मेरे पास आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी डेटा कितना आया है, मेरी दूसरी कंपनी है, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट स्टेटिक्स, इसमें मेरे पास अभी कोई भी वाउचर अवेलेबल नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेरा स्टेटिक्स देखते हैं, डी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और स्टेटिक्स चेक करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरे पास 14 वाउचर्स टोटल है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अब इसको सिंक करना है, मुझे क्या करना है, बस ये सिंक करना है। और ये आप देखेंगे कि सारे वाउचर्स हमारे वहाँ उस वाली टैली में आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, इसको आप यूज करके देखिए, अगर आपकी दो लोकेशन है तो अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम लोग टैली का TSS भी करते हैं और टैली हम सेल भी करते हैं। ये मेरे 14 वाउचर्स थे। अब मैं सेकंड कंपनी सेकंड लोकेशन पे जाता हूँ, तो यहाँ पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे ये 14 वाउचर्स मेरे को मिल गए। अब हम देखना चाहते हैं कि अगर हम कोई एडिट करते हैं तो वो हमें मिलेगा या नहीं। इनकेस मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे मैंने देखा कि भाई इस पार्टी जो था ये मेरे पास यहाँ पे मिल गया है मुझे, तो ये सेल किया हुआ है। ओके, ये मेरा राजीव है। ओके, मैं क्या करता हूँ, राजीव से पैसा ले लेता हूँ, या कोई पार्टी ऐसी है जिससे मैंने माल खरीदा हुआ हो मेरे उसमें, और मैं यहाँ से कंफर्म करता हूँ कि भाई जिससे आपने परचेज किया था इसका मैंने सारा पेमेंट ले लिया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक पेमेंट का वाउचर पास करता हूँ यहाँ पे। ओके, तो मैं इसको बैंक से दे देता हूँ और ये पार्टी मेरी थी किस नाम से, क्रेडिटर के नाम से। ओके, तो मैं इसको एक पेमेंट पास करता हूँ ताकि मुझे दिखाई दे जाए कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो ये क्रेडिटर, ओके, इसका 8468 रुपया था बचा हुआ, तो मैं इसको पास कर देता हूँ। ओके, और ये पास। ओके, अब हमने क्या करना है, अभी हमारे पास कितने वाउचर्स हो गए हैं, डी एस, इसमें हम आए, हमारे पास 15 वाउचर हैं, लेकिन मेरे क्लाइंट के पास इस वक्त भी 14 ही वाउचर्स हैं, क्योंकि अभी ये डेटा हमारा सिंक नहीं हुआ है। तो हम अपने आराम से एंट्री करें पूरे दिन, एक टाइम फिक्स कर सकते हैं, दिन में चार बार चाहे चार बार, पांच बार चाहे पांच बार, अब जितनी बार जाएं इसे डेटा को सिंक कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से उसको बोल देते हैं कि भाई अपना डेटा सिंक कर लो। तो हमने यहाँ से सिंक किया, तो यहाँ से सिंक करते ही आप देखिए यहाँ डेटा सिंक हो गया है, और यहाँ पे ये मुझे क्या करना है, डेटा को सिंक करना है बस, और कुछ नहीं। ओके, अब देखते हैं कि हमारे पास जो वाउचर में चेंज हुआ था या पेमेंट का जो वाउचर उन्होंने पास किया वो हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। अभी हम देखते हैं इस चीज को। देखिए ये आपके 15 वाउचर तैयार हो गया, ठीक है, जो वाउचर्स मेरे मेल सिस्टम पे चढ़ाया गया था दूसरी लोकेशन पे, तो वो मुझे यहाँ पे देख सकते हैं 8468। तो अब मैं आपको ये चीजें, कुछ चीजें हैं छोटी छोटी सी, वो भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये क्लाइंट सिस्टम है, ओके, जिसमें विंडो 8 चल रही है और इस पे इंटरनेट कनेक्शन यूनिक कंप्यूटर्स के नाम से है। ओके, और टैली आपको मैंने दिखाई थी बॉम्बे के नाम से, मैंने इस पे टैली बनाई थी, लेकिन वाउचर सेम है जो यूनिक कंप्यूटर नाम की कंपनी में मेरे मेन सिस्टम पे चल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरा इंटरनेट कनेक्शन अलग है बिल्कुल। ओके, और यहाँ पे मैं अगर अपना सिस्टम दिखाता हूँ तो यहाँ पे लिंकसिस के नाम से है, ये इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। तो दोनों इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल डिफरेंट हैं, दोनों अलग अलग लोकेशन पे सिस्टम है, तो इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आप मल्टी लोकेशन में आपकी ब्रांचेज हैं और मल्टी लोकेशन पे आप टैली यूज करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।